तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो 18 जून को पड़ गया है, शाम को पड़ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ किसानों के एक सवाल रहता है कि 17वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा डला है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, हमारे स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट नहीं आ रहा है या हमारा F2% नो आ रहा है, इस बीच हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का जो 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें कैसे प्राप्त होगा, हम अपने स्टेटस को कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्टेटस सही है या हमारे स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उस त्रुटि को कैसे ठीक करेंगे और उसके बाद में हमें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर लेना, पीएम किसान पोर्टल पे आना है, वैसे आपको अपना स्टेटस लॉगिन कर लेना है। मैंने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। दोस्तों यहाँ से हमने एक किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। स्टेटस लॉगिन होने के बाद में आप देख सकते हैं इनका एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ से मिल जाता है और एलिजिबिलिटी स्टेटस मिलने के बाद में आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। इन किसान भाई का 16वीं इंस्टॉलमेंट पे ही इनका F2% नो आ रहा है और पेमेंट स्टेटस इनका खाली आ रहा है और इन्हें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और इन्हें 17वीं इंस्टॉलमेंट का भी पैसा नहीं मिला है। और दोस्तों इनकी जो 16वीं और 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा ना मिलने का जो कारण होता है वो दोस्तों आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अनुसार होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका EKYC नॉट कम्प्लीट आ रहा है, EKYC नो आ रहा है, यहाँ भी आपको देखने को मिलता है रीजन 4 फेल ट्रांजिशन F2 आ रहा है, EKYC नॉट डन आ रहा है। इसका मतलब होता है इन किसान भाई ने अपने आधार कार्ड में कुछ ना कुछ अपडेट कराया हुआ या अपने नाम का करेक्शन कराया हो या गांव का नाम करेक्शन कराया हो, तो उस वजह से इनका EKYC नो हो गया है और इन जब तक यह है कि EKYC अपना कंप्लीट नहीं करते, EKYC कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में EKYC नॉट डन का यह मैसेज आ रहा है, EKYC का यहां पे कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा, EKYC यहां से हट जाएगा और आपको यहां पे डेट नजर आ जाएगी। दूसरा यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है एलिजिबिलिटी स्टेटस में आधार बैंक अकाउंट सेटिंग की होती है। कुछ किसान भाई का यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आता है, उसकी वजह से भी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारा F2% नो आ रहा है इस वजह से हमें पैसा नहीं मिला है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारा पेमेंट स्टेटस यहाँ पे खाली आ रहा है उस वजह से पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका F2% नो है और पेमेंट स्टेटस खाली है तो हमारे एलिजिबिलिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, उसकी वजह से हमारा पेमेंट स्टेटस भी खाली आ रहा है, F2% भी खाली आ रहा है। यदि आपका यहाँ पे खाली आता है तो आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, उस वजह से आपको पैसा नहीं मिला है। यदि आपका यहाँ पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है और एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब कुछ ओके आ रहा है, जैसे EKYC यहाँ पे नो की जगह यस आ रहा है, आधार कार्ड सेटिंग यस आ रहा है, ऑनलाइन सेटिंग यस आ रहा है और आपको रीजन 4 फेल ट्रांजेक्शन F2 में कोई भी ट्रांजेक्शन का एरर नहीं मिल रहा है और पेमेंट मोड आपका आधार आ रहा है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। कुछ दिन का वेट करें क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो कम से कम एक हफ्ता डलता है। बाय चांस कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनका पेमेंट स्टॉप हो जाता है या पेमेंट होल्ड हो जाता है या डुप्लीकेट अकाउंट आता है तो उसके वजह से भी उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों उस बीच आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है और वेट करने के बाद में आपको जो पेमेंट होता है स्टॉप पेमेंट होता है या आपका एलिजिबिलिटी की वजह से पेमेंट रुका होता है और आपने जो एलिजिबिलिटी ठीक करा दिया, जैसे लैंड सेटिंग ठीक करा दिया, आधार कार्ड सेटिंग को सही करा दिया, EKYC सही करा दिया, तो उसके बाद में आपको जो पेमेंट है वो 100% मिलेगा। आपको यदि आपका एलिजिबिलिटी ठीक है तो आपको एक हफ्ते का वेट करना है, एक हफ्ते के बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा यहां तक है मिल जाएगा। दोस्तों